हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम गुजराती के चैप्टर में, अब तक हमने ये किया था पेज नंबर 21 तक किया था, लास्ट में आज हम पेज नंबर 22 देखेंगे। ओके बच्चों, ये है तोरण, मींस गुजराती में तोरण बोलते हैं उसको। उसको आपको पेपर से बनाकर ऐसे लगाना है। आप ट्राई कर सकते हो घर पे पेपर से ऐसे कटिंग करके लीव्स का शेप बना के उसको आपको ऐसे तोरण धागे में पिरोना है। ऐसे ये आपका बन जाएगा फूल वाला या बिना फूल का तोरण, और ये बटन्स लेके एक धागे में आपको पिरोने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका तोरण। या तो आप पेपर की बोट या पेपर का बॉल बना सकते हो। ये कलर पेपर लेके पेपर की बोट और ये बॉल पेपर का बना सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे आएंगे 23 पेज नंबर। इस पर ये पैटर्न दी हुई है जो आपको यहाँ पे बनानी है, ऐसे गोल वाली पैटर्न जलेबी जैसा दिया है, ये आपको यहाँ पे बनाना है। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा आपको यहाँ से ऐसे बनाना है जैसे मैंने बनाया है। आपको ऐसे गोल पैटर्न बनानी है, ये सभी में आपको ऐसे पैटर्न बनानी है, और इसको प्रेस करके यहाँ से यहाँ तक लाना है। जैसे हम इसमें करेंगे, ये स्क्वायर को हम लोग को प्रेस करना है और लास्ट तक लेके जाना है। ठीक है बच्चों, ये आपको कंप्लीट तीनों करना है। ये स्क्वायर है और ये सब शेप को आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है पेज नंबर 23 पे। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 24। अलग पड़ता चित्रों पर सर्कल करो। ये पिक्चर्स दिए हैं उस पर अलग जो भी है उस पर सर्कल करना है। मतलब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे कि यहाँ पे सब एनिमल्स है, जैसे बफेलो, एलिफेंट, गोट, डोंकी, काव एंड डॉग, और अकेला ये चिड़िया मतलब स्पैरो अकेली है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सर्कल करेंगे। अलग पड़ता चित्र पर सर्कल करो, मीन्स यहाँ पे ये जो ऑड वन है पिक्चर उसको सर्कल करना है। ये सब एनिमल्स है, इसके बीच में ये ओनली बर्ड है, तो इसको मैं सर्कल कर लूँगी। और नेक्स्ट है ये सब बर्ड्स है, और इसके बीच में आप देख सकते हो क्रो, पिकॉक, पिजन, कॉक, कुकू एंड पोपट, ये पैरट, ये सारे बर्ड्स है। और सिर्फ ये मंकी, इसमें ये मंकी यहाँ पे सर्कल करूँगी क्योंकि ये सारे बर्ड्स के बीच में एक मंकी है। ठीक है बच्चों, तो इसको आपको सर्कल करके अलग निकालना है, यहाँ पे स्पैरो और यहाँ पे मंकी। नेक्स्ट पेज पे आएंगे पेज नंबर 25। 7 क्वेश्चन नंबर, वस्तुओं गर्मा होए तो लाल, वस्तुओं गर्मा होए उसको लाल, जो घर में होती है वो चीज़ों को लाल, शाड़ा में होए तो लीलो, मतलब जो स्कूल में होती है तो ग्रीन, अने बनने जगह होए तो पीड़ो रंग पूरो, जो दोनों में पाई जाती है, जैसे कंप्यूटर है तो वो दोनों में पाया जाता है। कंप्यूटर हर जगह होता है, घर में भी होता है और स्कूल में भी होता है, तो उसको हमने येलो कलर करना है। जैसे मैंने कर रखे है, जैसे बैट घर में पाया जाता है तो मैंने लाल कलर किया है, बैल स्कूल में होता है तो मैंने ग्रीन कलर किया है, ये पकड़ कहाँ पे होता है, यस ये स्कूल में नहीं होता, घर में होता है, तो मैंने रेड किया है। कंप्यूटर दोनों में पाया जाता है, ये कंप्यूटर आपको हर जगह मिलेगा, घर में भी कंप्यूटर होता है और स्कूल में भी होता है, तो मैंने इसको येलो कर लिया। जो दोनों में दो चीज़ तो उसको येलो करना है, घर पे भी होती है, कंप्यूटर घर पे भी होता है और स्कूल में भी होता है, तो इसको मैं येलो कलर कर लूँगी। स्कूल में ब्लैक बोर्ड होता है तो मैं ग्रीन कलर कर लूँगी, पीलो घर में होता है तो रेड कलर, ये कैसल है झूला बच्चों का, छोटे बच्चे सोते हैं वो, तो ये गुजराती में इसको बोलते हैं घोड़ियू, तो ये घर में पाया जाता है। ये है तबला, ये स्कूल में होता है, जो हमारे स्पोर्ट्स के लिए संगीत के लिए सीखते हैं तो स्कूल में तबला पाया जाता है, तो इसको मैंने ग्रीन कलर कर लिया। ऐसे आपको पेज नंबर 25 को कलर करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है
करीजुओ, करीजुओ मीन्स करके देखो। एक अथवा एक थी वधु नाना वासण में पानी लई लाकड़ी थी वासण ने वगाड़ी तेमाथी जे अवाज आवे तेनो आनंद लेवो। एक अथवा एक थी वधु नाना वासण में पानी, मतलब एक छोटे से बर्तन में आपको पानी लेना है और लकड़ी से बर्तन को बजाना है और क्या आवाज़ आती है, क्या होता है वो आपको देखना है। तो देखो इसमें पानी में से तरंगे निकल रही है, छोटे छोटे वेव्स जैसे आपको दिख रहे हैं। यस, आप भी कर घर पे कर सकते हो। एक वेसल में, एक बर्तन में पानी लेके उसमें लकड़ी से ऐसे मार सकते हो, लकड़ी मारने पे ऐसे पानी में से तरंगे निकलेगी। ठीक है बच्चों, सेकंड है थाली में पानी भरी वच्चे फूक मारो। पानी में फूक मारता पानी में शू थाय छे, एक थाली में पानी भर के बीच में आपको फूक लगानी है, मतलब हवा लगानी है। इसमें से फूक मारने से क्या होगा, इसमें भी छोटी छोटी तरंगे बनेगी, पानी की थाली में छोटी तरंगे बनेगी। फिर थर्ड है पानी में थाली में पानी भरी तड़के मूको, थाली ने तड़के मूकता शू थाय छे। तो एक थाली में आपको पानी भर के धूप में रखना है तो क्या होता है वो देखना है। तो पानी धूप में चमकेगा और ऐसे तो छोटी छोटी तरंगे आपको देखने मिलेगी, जैसे रेनबो होता है वैसे पानी में डिजाइन पड़ेगी। फिर तगारा में पानी अंदर भरी काकरी नाखो, काकरी नाखता शू थाय छे। तो तगारा मतलब छोटा सा टब होगा या तो स्टील का टब होगा, उसको आपको पानी का भरना है और अंदर छोटे छोटे पेबल्स डालने हैं, छोटे छोटे काकरी वाले पत्थर डालने हैं, छोटे से पत्थर को काकरी बोलते हैं। काकरी नाखता शू थाय छे, तो काकरी नाखता काकरीओ नीचे वही जाए छे अने पानी तो एमने एम रहे छे, मतलब पानी ऐसे ही चला रहेगा और जो छोटे छोटे पत्थर डाले हमने वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे और पानी में से ऐसे तरंगे निकलेगी। देन फिफ्थ क्या है, पानी में कपड़ा धोवानो पाउडर नाखी हलावता शू थाय छे। तो पानी में कपड़े धोने का पाउडर डालेंगे और फिर ऐसे शेक करेंगे, हलाएंगे तो क्या होता है उससे झाग निकलते हैं। यस, पानी के पानी में कपड़े धोने का पाउडर लगाओगे और हिलाओगे तो क्या निकलेगा, पानी में झाग बनेंगे। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट पेज नंबर 27, यहाँ पे एक स्टोरी है आनंदी कागड़ो, यहाँ पे एक स्टोरी दी है हम लोग को। आनंदी कागड़ो मतलब खुशखुशाल कौवा जो हमेशा खुश रहता था, उसकी ये एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ, आप ध्यान से सुनना। एक कागड़ो तो तेना पर एक बार राजा गुस्से थया, एटले राजाए तेने माणसोने कहू, जाओ आ कागड़ा ने गामना कूवाना काठे गारो छे तेमा कुताड़ीने मारी नाखो। एक कौवा था उस पर एक बार राजा को बहुत गुस्सा आया, तो राजा ने अपने आदमियों से कहा कि जाओ वो क्रो को, वो कौवे को आप वेल होता है उसके बाजू ले जाओ और वहाँ बहुत सारा कीचड़ है उसमें डुबा के मार डालो। फिर क्या है, कागड़ा ने राजा जी ना हुकम प्रमाणे गारा में नाखवामां आव्यो। कागड़ा भाई तो गारा में कूंदाता कूंदाता आनंद थी बोलवा लाग्या, लपसणू करता सीखिए छे भाई, लपसणू करता सीखिए छे। जैसे ही राजा का हुक्म हुआ तो कौवे को क्या किया, वो गंदे कीचड़ में डालने लगे। तो कौवा तभी भी ऐसे बैठते आनंद से, मतलब खुशी से बोलता रहा, लपसणू करता सीखिए छे, लपसणू करता सीखिए छे, मतलब स्लाइडिंग जो करते हैं ऐसे लसर लसर करते हैं ना, कीचड़ में जाते तो अपने पैर फिसलते हैं, तो फिसलने को सीखते हैं भाई, फिसलने को सीखते हैं, ऐसा कौवे ने बोला और वो